पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान लगाए गए आपातकाल पर मधुर भंडारकर एक फिल्म बना रहे हैं इंदु सरकार, जो अपनी रिलीज से पहले ही चर्चा में है या यूं कहीं विवादों में है। इलाहाबाद के स्थानीय कांग्रेस नेता काफी नाराज है इस फिल्म को लेकर और एक बेतुकासा फरमान दिया है कि जो भी मधुर भंडारकर के मुंह पर काली फोतेगा उसे 1,00,000 का इनाम दिया जाएगा। बाकायदा इसके लिए आप देखिए पोस्टर भी चस्पा किए गए हैं। कांग्रेस नेता का कहना है कि मोदी सरकार के साथ मिलकर गांधी परिवार की छवि खराब करने के लिए फिल्म बनाई गई है। वहीं जवाब में मधुर भंडारकर ने ट्विटर पर लिखा है कि ये आजादी पर लगाम लगाने जैसा है। उस इमरजेंसी को मधुर भंडारकर जी की फिल्म में निगेटिव रोल में दर्शाया गया। इंदिरा जी के रोल को दर्शाया गया, उनके पुत्र संजय गांधी जी के रोल को दिखाया गया जिसका किरदार नितिन मुकेश साहब कर रहे हैं। हम लोगों ने इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए कई बार अपनी आवाज को बुलंद करने का काम किया, मगर मधुर भंडारकर जी तक हमारी आवाज पहुंच नहीं रही थी। आज हम लोगों ने सोशल नेटवर्किंग साइट्स का सहारा लिया, इस पर एक पोस्टर वायरल किया। इस पोस्टर में हमने मधुर भंडारकर जी के मुंह पर काली पोतने वाले योद्धा और व्यक्ति को 1,00,000 रुपए नगद इनाम देने की घोषणा किया है।